Hello everyone, welcome to BrainShocks, myself Rajat and I have secured OnLeader Rank 14 GATE 2021. तो कुछ दिन पहले मेरे पास एक बिहार के बच्चे का मैसेज आया जो बोलता कि भैया मैं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से एक बीटेक कर रहा हूँ और मेरा कॉलेज जो है टीयर 3 है। तो मुझे लोगों ने ये बोला कि एक तो तुम बिहार से इंजीनियरिंग कर रहे हो और ऊपर से तुम्हारा कॉलेज भी टीयर 3 है तो तुम्हारा गेट नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले बहुत ये तो बहुत गलत बात है कि कोई ऐसे डीमोटिवेट कर रहा है कॉलेज के नाम को लेके। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से हो एक प्राइवेट कॉलेज से हो तो आप गेट नहीं कर सकते। तो वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप किसी भी कॉलेज से क्यों ना हो तो आपका गेट क्रैक होएगा ही होएगा। ठीक है, तो जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ कि मैंने गेट 2015 में फर्स्ट टाइम क्रैक किया, उसके बाद मैं IIT रुड़की में एमटेक करने गया। तो मैं भी एक नॉर्मल कॉलेज से, मैं भी किसी NIT NIT से मेरा बीटेक नहीं है और मेरे जितने भी बैचमेट थे एमटेक में वो सभी हर तरह के कॉलेज के थे। ठीक है, तो उसके बाद मैं PSU में जॉब करने गया गेट के बेसिस पे। ठीक है, वहाँ भी मेरे साथ हर तरह के लोग थे, हर कॉलेज के थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि टीयर 3 वालों का गेट होगा नहीं होगा। और प्लस जो आपको ऐसा बोल रहा है, अगर आपको कोई भी ऐसा बोलता है तो आपको उससे पूछना चाहिए कि आपके उसको डेटा है क्या, कि आपके पास कोई लिस्ट होगी कि यार ओनली इन इन कॉलेज के बच्चों का गेट क्रैक हुआ है। ठीक है, और अगर आप YouTube पे सर्च करोगे जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे, ठीक है, जिनका गेट में अच्छा रैंक आया है, अंडर 1000 अंडर 100 रैंक की वीडियोज हैं YouTube पे, आप देखोगे कि हर तरह के कॉलेज के बच्चे हैं उसमें। ठीक है, और प्लस एक टीयर 3 कॉलेज के बच्चे मन में डाउट इसलिए होता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक एग्जाम फेल कर चुका है ना, JEE एग्जाम फेल किया, तभी वो उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो टीयर 3 में आ गया। तो वो एक मन में डाउट रहता है कि यार मैं एक एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया तो मैं आगे क्या कर पाऊंगा। ठीक है, तो भी बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक टाइम पे किसी एग्जाम में फेल हुए हो तो आने वाले सारे एग्जाम में फेल हो गए। ठीक है, हो सकता है आपने उस टाइम पे कम मेहनत की हो, अभी आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आप अच्छे से एग्जाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि बच्चों के मन में ये डाउट भी हो सकता है कि यार हमारी क्लासेस हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही टीयर 3 कॉलेज में। ठीक है, और टीयर 1 कॉलेज में हो सकता है अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी तो उनको बेनिफिट है, तो नो डाउट बेनिफिट होगा। बट क्लासेस ओनली सोर्स नहीं है पढ़ाई का। ठीक है, मान लो अगर आपके कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है तो आपके पास और बहुत सारे सोर्स हैं, है ना। आप यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट है, आप आराम से पढ़ सकते हो उस पर। ठीक है, तो ये बातें आपको दिमाग से निकालनी है। ठीक है, खुद जज करना है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, गेट दे रहे हो कैट दे रहे हो, तो आपको देखना है कि आपको इस एग्जाम से क्या चाहिए और वो एग्जाम आपको दे रहा है। ठीक है, अगर आप ये चीजें मैच होती हैं तो आपको बस उसके लिए लग जाना बस। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट। ठीक है, अब जैसे ये बच्चा लिख रहा है कि गेट के मशीन नेटवर्क और कुछ क्वेश्चन कंट्रोल के और हल्का एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं डिप्लोमा बेस। ठीक है, तो मतलब पोटेंशियल है, तो अभी तो ये ओनली सेकेंड ईयर में है, मतलब इसको अभी गेट देना है, थर्ड ईयर में दे सकता है 2023 में, मतलब एक साल है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है कुछ सब्जेक्ट्स के, तो अगर मेहनत करे एक साल तो आराम से गेट क्रैक कर लेगा। ठीक है, एक साल में, और प्लस फिर क्या है, वो तो थर्ड ईयर होगा और फोर्थ ईयर में भी चांस रहेगा। ठीक है, दो साल हैं, दो साल अगर किसी भी चीज की लग के तैयारी की जाए वो आराम से क्रैक हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि किसी की सुननी नहीं है कि अगर कोई नेगेटिव बोल रहा तो, आपको खुद जज करना है। ठीक है, यूट्यूब है, आप सर्च करो वीडियोस, आप सिलेबस देखो, आप देखो किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, फिर डिसाइड करो। ठीक है, तो बस सारे नेगेटिव थॉट्स निकाल दो मन से, एक पॉजिटिव थॉट से स्टार्ट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप कुछ आपके डाउट क्लियर होंगे इस वीडियो से। तो कुछ अच्छा मैसेज मिला हो तो प्लीज़ लाइक करना, और गेट के रिगार्डिंग जहाँ ESC या किसी और स्टेट PSU के एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और बाकी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।